बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं अनार का शरबत। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अनार लिए हैं 200 ग्राम, और हमें चीनी चाहिए होगी आधा कप। दो मैंने बर्फ़ के क्यूब्स लिए हैं, इस तरह थोड़े से बड़े थे, और पानी मेरे पास ठंडा है इसलिए मैंने ये दो लिए। नमक लिया मैंने काला 1/2 टीस्पून। अगर किसी ने ज़्यादा डालना होगा या ज़रूरत होगी तो वो उस वक्त डालेंगे, क्योंकि अगर ये अनार का शरबत खट्टा होगा तो उसके अंदर डालेंगे तो उसका जायका और उसका मज़ा दुबला हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक छाननी। जब हम शरबत अपने शरबत को ग्रैंड कर लेंगे, पीस लेंगे जग में डालकर इस स्प्लेंडर में, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये गर्मियों का मौसम है तो ये बहुत अच्छा और बहुत जायकेदार होता है, क्योंकि अनार का आपको पता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। खून भी पैदा करता है जिगर, और जिसको भी किसी चीज़ की इसरा होता है तो कमी होती खून की, या वैसे भी, तो ये अनार बहुत मुफीद है, इसलिए आज हम बना रहे हैं अनार का शरबत। सारे अनार हम डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और पानी डाल देंगे हम। 2 कप मेरे पास पानी है, बाकी फिर हम बाद में ऐड करेंगे। मैं डाल के ये हमने सारा कर लिया, अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए इसके जो बीज हैं ये नहीं अभी तक इसको ग्रैंड हुए, तो इसलिए हम इसको बाहर निकाल देंगे, और ये अच्छे भी नहीं लगते और बच्चे भी नहीं फिर पीते ना इस तरह। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। तो ये शरबत बहुत ही मज़े का आता है, गर्मियों में इसका मज़ा बहुत आता है। ये मेरे पास सुरख रंग का अनार ज़्यादा नहीं था, इसलिए लगता है इसका कलर थोड़ा सा पिंक ही है, रेड कलर नहीं है इसका। तो ये अब हम इसको फेंक देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे जायका जो है बहुत ही अच्छा होता है काले नमक का। आप शक ट्राई करके देख लें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा अनार का शरबत। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप बनाएं और ट्राई करें, अपने बच्चों को भी बुलाएं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें। हाफिज़।